भैया मैं 14 साल का हूँ और मैंने दाढ़ी की सेविंग कर ली। दाढ़ी की सेविंग करने के बाद मेरी दाढ़ी में हार्ड बाल आने लगे हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ सजेशन करें या पर मुझे गाइड करें। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम्स है और आपने भी कम एज में दाढ़ी की सेविंग कर ली है, फिर इसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कम एज में सेविंग करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती, चाहे आप गलती से सेविंग करें, चाहे आप जानबूझ कर सेविंग करें, चाहे आपका मोटिव कोई भी हो कि मुझे दाढ़ी उगाना है या पर मुझे फेस क्लीन करना है, कुछ भी आप सोचते हो, लेकिन अगर आपने दाढ़ी काट ली और कम एज में आपकी दाढ़ी आना शुरू हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, तो फिर आपका जो माइंड है ना वो घूम जाता है। आप एक तो स्कूल लाइफ में हो और ऊपर से बच्चों लोग आप पे कमेंट्स मारना स्टार्ट कर देते हैं कि यार तेरी कम एज में दाढ़ी आ गई, तू बुढ़ा हो गया, पर तेरी उम्र ज़्यादा है, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ कमेंट्स करते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने गलती भी की है तो आप उसको सही कर सकते हो। अगर आपने दाढ़ी की सेविंग कर ली गलती से पहली बार, तो आप उसके बाद सेविंग ना करें तब तक कि आपकी दाढ़ी आप ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं तब तक। एक बार सेविंग करने से आपकी दाढ़ी ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन वो मोटी नहीं होगी। तो आपकी अगर दाढ़ी हार्ड हो रही है यानी टाइट हो रही है, तो आपको एलोवेरा जेल का यूज़ करना चाहिए। इसका यूज़ आपको कैसे करना चाहिए, आप जब सुबह या फिर शाम जब भी आप नहाते हो उस टाइम पे आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके आपकी दाढ़ी पे बालों पर आप लगा सकते हो। उसके बाद से आपकी दाढ़ी बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, ना तो वो आपके चुभेंगे ना वो आपको महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की बाल हो जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दाढ़ी एक कंपलसरी होती है जो कि आना ही होती है। अगर आप बॉयज़ हो मैन हो तो आपकी दाढ़ी 100% आएगी, एज चाहे कोई भी हो, लेकिन बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं, गलतियाँ करने के बाद फिर उनकी जल्दी दाढ़ी आने लग जाती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप आपकी दाढ़ी को ट्रिम करें, ये ट्रिमर होता है, इससे आपकी दाढ़ी को जितना ज़्यादा ट्रिम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी दाढ़ी की ग्रोथ भी कम होती चली जाएगी, यानी सेविंग के मुकाबले आपकी दाढ़ी के बाल नहीं बढ़ेंगे। और जो आप ट्रिमिंग करोगे, ट्रिमिंग करने से जो बाल आते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सिल्की बाल आते हैं, वो ज़्यादा हार्ड बाल नहीं आते, ज़्यादा टाइट बाल नहीं आते। तो आपको यह सोच समझ कर सब कुछ करना होती है अगर आप भी आपकी दाढ़ी को कंट्रोल में रखना चाहते हो। अदरवाइज आपकी दाढ़ी जो जितनी ग्रोथ होगी ना, फिर वो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगी। अगर आप कम एज में हो, बच्चे हो, तो आपके काली घनी मोटी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बेकार लगेगी। सबसे पहले आप आपकी हाइट को इंक्रीज़ करें, इसके बाद आपकी बॉडी मसल्स को इंक्रीज़ करें, इसके बाद 18-19 साल के बाद आप जितनी चाहे बेसी दाढ़ी आप उगा सकते हैं, जैसी चाहे बेसी आपकी बियर्ड आप ग्रोथ कर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। लेकिन 14 साल भाई बहुत कम एज होती है, इस कंडीशन में अगर आपने गलतियाँ कर ली तो आप अभी सुधार लो गलतियों को, ताकि आपको बाद में कुछ पछताने का मौका ना मिले। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, पहला ट्रीटमेंट आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना है, दूसरा ट्रीटमेंट आपको सेविंग नहीं करना, आपको ट्रिमर यूज़ करना है, जो कि आप जीरो बोलते हैं, आप किसी भी सलून पे जाके आपकी दाढ़ी की मूंछों की जीरो करा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।